सर, ये आज जो आपने कैंप लगाया है मेडिकल कैंप, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली जो कैंप चल रहा है तीन पर्पस से है। एक तो ये है कि जो यहाँ के कुछ लोग जो हैं यहाँ पी टी सेंटर्स में और कुछ जो सराउंडिंग एरियाज के लोग हैं उन सभी को यहाँ पे बुलाया है। हम उनके जो भी आई एलिमेंट्स हैं डिजीजेस होंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हमारा मेन जो फोकस है वो कैटरेक्ट, ग्लोकोमा और डायबिटीज, इन ऐसी बीमारियाँ उनको आइडेंटिफाई करना है। और जो पेशेंट सपोज कैटरेक्ट के लिए आइडेंटिफाई होंगे उन सभी का मुफ्त इलाज जो है, ऑपरेशन जो है, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में किया जाएगा। अभी तक हमने 14 पेशेंट आइडेंटिफाई कर लिया और अभी कैंप चल रहा है। हमारा जो टारगेट है राउंड अबाउट 50 पेशेंट्स यहाँ से आइडेंटिफाई करने हैं और उन सभी को मेडिकल कॉलेज में फ्री कैटरेक्ट सर्जरी की जाएगी। दूसरा जो पर्पज़ है लोगों को काली मोती और डायबिटीज़ के पेशेंट जितने ज़्यादा आ रहे हैं उन सभी को आइडेंटिफाई करना है जो यहाँ पे आए हुए हैं और उनको उसके बारे में प्रॉपर एक एजुकेशन देना है। इसे जो यहाँ पे पुलिस के जवान हैं उनको हम का हेल्थ चेकअप कर मतलब आई चेकअप और ENT चेकअप करेंगे और उसके हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट होगा उनको एडवाइस करेंगे। मेन फोकस जो है हमारा एक तो डिजीज को आइडेंटिफाई करना और उनको ट्रीटमेंट कर देना है और दूसरों लोगों को एजुकेशन देनी है। स्पेशली डायबिटीज़ के बारे में हम बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जब आते हैं हमारे पास उनको ऑलरेडी इतना नुकसान हो गया होता है कि उसको अगर ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन जो हैं आँख के हिसाब से शुरू हो गई होती है। तो इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी उनको अवेयर किया जाए उतना अच्छा रहता है ताकि उनका जो विजन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चल सके। तो ये तीन बेसिक एम है जिसके लिए ये कैंप लगाया हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है और हम इसके लिए इनके भी शुक्रगुजार हैं, अपने SSP साहब के और बाकी स्टाफ्स को जो हैं बहुत अच्छा तो बहुत और उन लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। सबसे बड़ी बात ये होता है कि ऐसे पेशेंट जो पेशेंट रियली नीडी पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख रहे हो कितने बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जिनको मतलब ये नहीं पहुँच सकते हैं तो हम उन्हीं लोगों को बुलाए हैं जिनको रियली वो पेशेंट्स की ज़रूरत है। तो वही लोग मेडिकल कॉलेज में आएंगे, उनको प्रॉपरली हम बेड्स दे रहे हैं, उसी हिसाब से 5-5, 6-6 लोगों का बैच बना रहे हैं ताकि उसके हिसाब से आगे।